से प्यार होने लगा है एंड सूरज को इमली से प्यार होने लगा है। अब उसको रियलाइज़ हुआ है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम जो प्रेगनेंसी में उसकी इच्छा थी, खाने का दिल कर रहा था बहुत रात में कि उसको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, वो किसी तरीके से लेके आता है जो मुझे नहीं मिलती है, तो वो ढूंढने जाता है उसके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आता है। बीच में लड़ाई भी होती है काफ़ी मुश्किलों से, वो आइसक्रीम लेके आता है लेकिन इमली वो आइसक्रीम फेंक देती है बिकॉज शी वॉन्ट्स कि वो जो भी चीज़ें हैं अब मेरे हाथों से चाहती है, उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती है। तो जी प्यार तो मैं चकोर से ही करता था शुरू से, बट अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि शादी मेरी इमली के साथ हो गई, उसकी सूरज के साथ हो गई, तो कहीं ना कहीं अब ये है कि मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को और इमली के साथ अपनी लाइफ आगे लेके चल रहा हूँ। एक दोस्ती हो गई है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे भी अब वो मैं उसे हल्का पसंद करने लगा हूँ, बट वो चीज़ मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुई है। बट हाँ, उसके साथ अब कहीं ना कहीं वो खुश है और फ्यूचर उसके साथ देखना शुरू कर दिया है उसने कि आगे भी ऐसे रहेगा। ठीक है, लाइफ डेस्टिनी यही थी हमारी, तो अभी तक तो यही है। क्या मुझे अभी तक रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि मैं इमली की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ या उसे पसंद करने लगा हूँ, तो अभी तक तो चकोर है, इतने टाइम से बचपन से उससे प्यार किया तो इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होगा। बट ये है कि एक्सेप्ट कर लिया जो लाइफ का ट्रुथ है कि यार जो मैं चाहता था बचपन से वो नहीं हो पाया, अब ये है मेरी लाइफ तो इसी के साथ मुझे करना चाहिए, तो ये चीज़ समझ के मैं अभी आगे चल रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार ख़त्म हो गया।